हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी चटपटी सी मैक्रोनी की रेसिपी। हाँ, मुझे पता है मैक्रोनी आपने बहुत खाई होगी, रेसिपीज देखी होगी बहुत सारी, और मुझे लगी थी भूख और मुझे कुछ चटपटा सा खाना था जो बहुत जल्दी से बन जाए, और इसे बॉयल भी नहीं करना है तो हम इसे कुकर में बनाने वाले हैं और ये बहुत फटाफट से बनने वाली है, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। मैं 1 कप मैक्रोनी बनाने वाली हूँ, तो फिर हम सबसे पहले ले लेंगे कुकर में 1 टेबल स्पून ऑयल, उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, मसाले ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे हम चुटकी भर नमक। मैंने नमक थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसमें बाद में मैगी मसाला पैकेट भी ऐड करने वाली हूँ, अगर आप वो स्किप करेंगे तो आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे और 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। फिर मैंने इसमें ऐड की है 1/2 मीडियम साइज की प्याज चॉप्ड की हुई, इसे भी हम भून लेंगे। 1 चॉप्ड कीवी लेंगे, हरी मिर्च आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, मुझे थोड़ा चटपटा सा पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, और मुझे थोड़ा जुखाम भी है आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा चटपटा स्पाइसी खाना पसंद है क्योंकि मेरा मुँह का टेस्ट भी बहुत ख़राब हो रहा है। फिर ऐड करेंगे हम 1 टमाटर, और इसको भी हम अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मैं 1 कप मैक्रोनी ले रही हूँ, उसके लिए हम ऐड कर देंगे इसमें 2 कप पानी। ये देखिए पानी में बॉईल आ गया है, तो हम सारी मैक्रोनी इसमें डाल देंगे और एक बार इसे चलाकर ढक्कन लगा देंगे और इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। और हाँ, मैक्रोनी को बॉईल मत कीजिएगा, ऐसे ही कच्ची ऐड कीजिएगा। कुकर बंद करने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी मसाला पैकेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और साथ ही 1 पैकेट हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटो केचप, या फिर आप 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। सब हम इसे ढक्कन लगा के 2 से 3 सीटी हाई फ्लेम पर लगा देनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी हालत गर्मी में कितना पसीना पसीना हो रही हूँ मैं, साथ ही तबीयत भी ख़राब है, और साथ ही मैं आपके लिए वीडियोस भी बना के डालती रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करना तो बनता है ना। और ये देखिए हमारी मैक्रोनी भी तैयार हो चुकी है, 2 से 3 सीटी लग चुकी हैं, और अगर आपको कच्चा लगे तो आप 1 सीटी और लगा सकते हैं, और अगर आपको लगे कि गल चुकी है और पानी है तो आप इसे ओपन करके ही गैस ऑन करके पानी ड्राई भी कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है हमारी मैक्रोनी, तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटी सी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है, और मैंने मज़े से खाई है, मेरा मुँह का टेस्ट बिल्कुल अच्छा हो चुका है। और अगर कभी आपकी तबीयत ख़राब है और मुँह का टेस्ट ख़राब हो गया, कुछ चटपटा सा खाने का मन है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी चटपटी बनती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, और मैंने रील्स की भी एक नई इंस्टा आईडी बनाई है तो वो भी आपको मिल जाएगी, नेहा खान ऑफिशियल 2, तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।